जी माँ जी, आप लोग निकल गए? अरे कहाँ बहू, यहाँ तो बड़ी भीड़ है। ओह, तो अब? ये शॉपिंग तो आज ही करनी पड़ेगी, कल तो टाइम नहीं मिलेगा ना, ट्रेन दोपहर की है। जी माँ जी, आप ना चिंता ना करिए, आप सारी शॉपिंग खत्म कर लीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ और बाकी तैयारी भी कर लूंगी। ठीक है बहू, हम 2 से 3 घंटे में घर पहुँचेंगे, तुम ख्याल रखना और हाँ फोन करना कुछ हो तो। जी, आप आराम से आइएगा। जब कोई बात जाए मुश्किल आए। यहाँ क्या कर रहे हो? चुप, एकदम चुप। चल जल्दी कर, अभी टाइम नहीं मेरे पास। अनिश नहीं, प्लीज आज नहीं। ए, बोला ना चुप, समझ में नहीं आता क्या तेरे? बोला ना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे जाने दो प्लीज, कोई आ जाएगा। आ जाएगा, आज जाने दे। माफी, तू ऐसे नहीं मानेगी ना। रुक, बताता हूँ तुझे अभी। ये दिख रहा है क्या है? याद है पिछली बार की पिटाई? तूने तो वो भी बहुत एंजॉय की होगी ना। अनिश प्लीज प्लीज आज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पीरियड चल रहे हैं। तेरा हमेशा का कोई ना कोई नाटक लगा रहता है ना, कभी पीरियड चल रहे हैं, कभी सर में दर्द है। सुन, ऐसा है, ज्यादा नाटक मत कर अभी, जल्दी कर नहीं तो सच में कोई आ जाएगा। पिछली बार भी तेरी वजह से पकड़े गए थे, याद है ना? प्लीज, प्लीज। जाओ, तुम भी बैठो हमारे साथ। हाँ माँ जी, आप लोग शुरू कीजिए, मैं बस किचन का काम खत्म करके आती हूँ। अरे बहू, वो रहने दो ना, जो भी तुम कर रही हो पहले खाना तो खा लो ना। जी बाबूजी, बस अभी आई। तुमने वो पैकिंग वगैरह कर ली?
बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। दाल मखनी का तो जवाब ही नहीं, बहुत बढ़िया। भाग हमारे, लक्ष्मी आई है हमारे घर। खाना क्या, घर के सारे काम लाजवाब करती है हमारी बहू। आखिर बहू किसकी है, क्यों बेटा? अरे माँ, ये बोलो आखिर पत्नी किसकी है। प्यार की आड़ में रोज वो मेरे जिस्म को नोचता है और ये उसका हक है, ऐसा वो सोचता है। मुझे बताया गया था कि मेरा शरीर सिर्फ मेरा है। सब कहते हैं कि वो जो भी है, जैसा भी है, तेरा है।